55 लाख के करीबन बालक और बालिकाएं एग्जामिनेशन में अवेयर हो रहे हैं, और जो भी हमारे केंद्र है उसमें सीसीटीवी का प्रबंध किया गया है, मॉनिटर व्यवस्थित किया गया है, वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर, जो पूर्व में ऐसे कुछ जनपद आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर कि पूर्व में नकल माफियाओं ने से अपनी कार्रवाई की थी, उन लोगों को आइडेंटिफाइड हैं वो लोग, उनके प्रति कार्रवाई पूर्व में भी की गई थी। वर्तमान में ऐसे संवेदनशील जो हमारे परीक्षा स्थल है वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की गई है, और इस बार जितने भी ब्लैक लिस्टेड, वो जनपद की बात हो रही, जितने भी इस प्रकार के ब्लैक लिस्टेड थे एग्जामिनेशन सेंटर उनको डिलिस्ट कर दिया गया है, फ्रेश सेंटर बनाए गए हैं। पूरी जो है एहतियात बरता गया है कि एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक हो, और जो भी माफिया उसमें एसोसिएटेड रहे हैं उनके पूर्व में जो उनके कार्रवाई हुई, वर्तमान उनकी क्या स्थिति है अंदर है, और उनके जो केसेस पूर्व में चार्जशीटेड थे उसमें किस प्रकार से जो है समन जारी हो रहा है और क्या उसकी सुनवाई हो रही है, गवाहों की क्या स्थिति है, इसका तो एक पहलू हो जाता है। दूसरा, हमने जो भी डिस्ट्रिक्ट ने एक्स्ट्रा फोर्स का रिक्वेस्ट किया उसको मीट आउट किया है, जो भी वहाँ पर उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर तक ट्रेजरी से क्वेश्चन पेपर ले जाने तक पूरी गार्ड की व्यवस्था की गई है, एस्कॉर्ट दिया गया है, और बाद में उत्तर पुस्तिकाएँ ट्रेजरी तक जाएँ उसके लिए पूरा एक जो है सुचारू प्लान बनाया गया है। जो हमारे डिजिटल वॉलेंटियर्स हैं उनको हमने जो है और जो S10 के माध्यम से उन लोगों को एक्टिवेट किया है, उनसे हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। परीक्षा पूर्णतः जैसे कि निर्देश है सफलतापूर्वक और सक्षम संपन्न में होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई नकल इत्यादि का कोई भी जो है अगर प्रयास करता है तो उसके